हाय अगेन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों मैं इसको इंटरेस्टिंग बोल रहा हूँ, उसके मेरे पास काफ़ी सॉलिड रीज़न भी है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन क्या है। उन क्वेश्चन में से है कि जिन क्वेश्चन को करने के लिए अपने पास सारी नॉलेज और सारा कोड अपन पहले ही लिख चुके होते हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से इस क्वेश्चन को जो भी सॉल्व करने के लिए कोड चाहिए था वो अपन पहले प्रैक्टिस में लिख चुके हैं। पर जब ये इस क्वेश्चन का ये कोड था ना, लेट से ये इसका आंसर कोड है ना, ये अपन किसी और क्वेश्चन में पहले कहीं ना कहीं कर चुके होंगे 110%। इतना कॉमन कोड होगा ये। पर इन लोगों ने इस क्वेश्चन को, सिंपल वाले क्वेश्चन को, ऐसे घुमा के पूछा है कि अपने को समझ में नहीं आएगा कि ये कोड इसके लिए सही आंसर है। अरे बात समझ में। अपन ने पहले एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन करा हुआ है जिसमें ये कोड यूज़ होता है, लेट से C1। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, इस क्वेश्चन में बस वो C1 ही लिखना है, पर अपने को समझ में नहीं आएगा कि ये C1 इसमें लिखोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, राइट? क्योंकि अपने को समझ में नहीं आता कि इसको अप्रोच कैसे करें, और बेसिकली अपने को कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं चाहिए होती इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, शायद थोड़ा इंटरेस्ट आया होगा, तो अभी क्वेश्चन की बात कर लेते। क्या क्वेश्चन है, पूछ रहा है मिनिमम डिफरेंस एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे। ठीक है, मिनिमम डिफरेंस एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे। अपना फ्लो क्या रहेगा पढ़ने का, अपन प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर अपन देखेंगे कि व्हाट इफ की इज प्रेजेंट, व्हाट इफ की इज नॉट प्रेजेंट, एंड देन वी विल लुक इनटू द कोड वेरिएशंस, राइट? सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ है, अपने को इसमें एक एरे दे रखा हुआ, राइट? दिस इज आवर एरे 4, 6 एंड 10। 4, 6 एंड 10 एरे दे रखा है, और अपने को एक की दे रखी होगी 7। सो अपने को इस एरे में वो एलिमेंट निकालना है जिससे कि अगर अपन की माइनस करें, सो अपने पास क्या है, मिनिमम डिफरेंस आए, मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस आए। मतलब समझ रहे हो, अगर मैं की माइनस करूँ इससे, मैंने 4 से माइनस किया, 6 से माइनस किया और 7 से माइनस किया, एब्सोल्यूट डिफरेंस समझ रहे हो ना, मतलब जो भी बिगर है उसमें से माइनस करो स्मॉलर को। ठीक है, सो बेसिकली क्या होगा यहाँ पर, 7 माइनस 4 3 आ जाएगा, 7 माइनस 6 1 आ जाएगा, और 10 माइनस 7 आ जाएगा 3। सो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को वो एलिमेंट प्रिंट कराना है जिससे कि डिफरेंस क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए। डिफरेंस क्या है, मिनिमम आए, राइट? तो डिफरेंस यहाँ पर मिनिमम आ रहा है 1, तो 1 कहाँ पर है, कौन सी की के लिए, 6 के लिए। तो मेरे को रिटर्न क्या कराना है आउटपुट में, 6। अरे बात समझ में। एक और एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। लेट से 1, 3, 8, 10 और 15 है, ठीक है, ये अपने पास एरे दे रखा है, और की अपने को दे रखी है 12। तो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को वो की रिटर्न करानी है जिससे कि अगर मैं ये की, मेरे को वो एलिमेंट इस एरे में रिटर्न कराना है जिससे कि अगर मैं ये की सेपरेट करूँ तो डिफरेंस मिनिमम आए। मतलब कि अगर मैं 12 यहाँ से माइनस कर दूँ, 12 यहाँ से माइनस कर दूँ, यहाँ से कर दूँ, और हर जगह से कर दूँ, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 11। एब्सोल्यूट डिफरेंस लिखना है ना, एब्सोल्यूट मतलब मोड, माइनस प्लस सिंपल प्लस ही लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 माइनस 3 9, 12 माइनस 8 4, 12 माइनस 10 2, 12 माइनस 15 15 माइनस 12 3। सो मिनिमम डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, 2 पे। सो बेसिकली मेरे को रिटर्न कराना होगा 10, तो आउटपुट में आ जाएगा 10। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा चलो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया कि अपने को मिनिमम डिफरेंस एलिमेंट, मिनिमम डिफरेंस एलिमेंट मतलब जिससे कि डिफरेंस जो है की का और उस एलिमेंट का मिनिमम आना चाहिए, सॉर्टेड एरे है। अच्छा सॉर्टेड एरे है, तो मैंने क्या बोला था, कहीं भी सॉर्टेड लिखा हो तो क्या सोचो, बाइनरी सर्च जरूर सोचो। सॉर्टेड लिखा ही इसलिए उन लोगों ने कि ताकि तुम बाइनरी सर्च लगा के दिखाओ उनको। ठीक है, अभी मैं बोलता हूँ व्हाट इफ द की इज प्रेजेंट, व्हाट इफ की इज नॉट प्रेजेंट। अच्छा इससे कुछ डिफरेंस हो सकता है क्या, की प्रेजेंट हो या की नहीं प्रेजेंट हो, तो उससे क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं। ओके, सो अपने पास क्या था, 1, 3, 8, 10 और 15 था। लेट्स से की प्रेजेंट है यहाँ पर, 12 है, 12 होता तो यहाँ पर होता है ना। तो अभी मैं अगर डिफरेंस निकालूँ की मेरे को 12 थी, और मिनिमम डिफरेंस एलिमेंट निकालूँ, तो मैं 12 माइनस करूँगा सब में से, जो कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो 11, 9, 4, 2, 0 और 3 आएगा। सो बेसिकली 0 मिनिमम आ जाएगा, इसका मतलब 12 रिटर्न हो जाएगा, राइट? तो मेरे को क्या रिटर्न करना पड़ेगा, 12, मतलब की इट सेल्फ। सो इन अ नट सेल क्या बोल रहा हूँ, इन अ नट सेल अगर इसको समराइज करें कि अगर की प्रेजेंट है एरे में, की प्रेजेंट है एरे में, तो मेरे को क्या रिटर्न करना है, सिंपल वो की प्रेजेंट कर रिटर्न करनी है। तो बेसिकली इफ प्रेजेंट है, की प्रेजेंट है, तो ये प्रॉब्लम किस में रिड्यूस हो गई, सिंपल बाइनरी सर्च में, है ना, कि अपने को अगर की प्रेजेंट है तो अपने को वो की रिटर्न करनी है,
बेसिकली की माइनस की ही मिनिमम आएगा, जीरो आएगा, और किसी से जीरो तो नहीं आएगा, या तो उससे बड़ा होगा या तो छोटा होगा, तो या तो वन आएगा या तो माइनस वन आएगा, एब्सोल्यूट देना है तो एब्सोल्यूट दोनों का वन आ जाएगा, राइट। तो बेसिकली की अगर प्रेजेंट है तो अपने पास मिनिमम की से ही आएगा, इतनी बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। पर अगर की प्रेजेंट नहीं है, की प्रेजेंट नहीं है, लेट से ये एरे दे रखा है और की अपने पास 12 है ना, इसमें क्या की प्रेजेंट नहीं है, की प्रेजेंट नहीं है तो अपने को मिनिमम कहाँ से मिलेगा, सोचने वाली बात है। मिनिमम कहाँ से मिल सकता है, यहाँ से मिल सकता है क्या, नहीं, यहाँ से मिल सकता है, नहीं, यहाँ से, नहीं, यहाँ से मिल सकता है क्या, या फिर यहाँ से मिल सकता है। बेसिकली मिनिमम अपने को इन दोनों से मिलेगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि अगर की होती, लेट से अगर की प्रेजेंट होती तो वो कहाँ होती, यहाँ पर प्रेजेंट होती क्या, नहीं, यहाँ पर प्रेजेंट होती, नहीं, यहाँ पर होती, 10 और 15 के बीच में यहाँ पर होती है, ठीक है। अब क्योंकि की प्रेजेंट नहीं है, अपने को माइनस करना 12, तो 2 12 के सबसे नियरेस्ट जो है ना, वही सबसे मिनिमम डिफरेंस देंगे, इतना समझ में आ रहा है। जितना तुम 12 से दूर हटाओगे इस साइड में या फिर इस साइड में, तो उतना ही डिफरेंस बढ़ता जाएगा ना। 12% होता अगर तो यहाँ पर होता, तो बेसिकली अगर अगर तुम इतना इस साइड में जाओगे तो यहाँ 15 आएगा, है ना, 15 के बाद यहाँ पर 18 आएगा, 19 आएगा, 20 आएगा, तो इस साइड में और डिफरेंस बढ़ता जाएगा 12 से, और इस साइड में और बढ़ता जाएगा 8 3 और 1, डिफरेंस तो बढ़ता ही जाएगा। यहाँ पर क्या है देख लो ना, डिफरेंस डिफरेंस कहाँ, की पे मिनिमम होता है, आ रही बात समझ में। डिफरेंस अगर मैं निकालूँ 1 3 8 10 और 15, और इसका डिफरेंस निकालूँ 12 से, -12 कर दूँ हर एक एलिमेंट में, तो डिफरेंस क्या आ रहा है अपने पास, 11 9 4 2 और 3। बेसिकली अगर यहाँ पर की प्रेजेंट होती है तो मिनिमम क्या, यहाँ पर डिफरेंस होता है 0। सो डिफरेंस समझ में आ रहा है, डिफरेंस की पे 0 है मिनिमम, फिर तुम उसके इधर जाओगे, अगर लेट से और एलिमेंट ले लेता हूँ, यहाँ पर 18 ले लिया, 20 ले लिया, तो 18 -12 6 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 8। सो डिफरेंस इधर जाओगे तो भी इंक्रीज कर रहा है, और डिफरेंस इसके इधर जाओगे तो भी इंक्रीज कर रहा है। तो अगर की प्रेजेंट है तो डिफरेंट मिनिमम डिफरेंस कहाँ पर होगा, की पे ही होगा, 0 पे होगा। पर की प्रेजेंट नहीं है तो मिनिमम कौन देगा, इधर वाला कोई देगा या फिर की के जस्ट नेबर वाले एलिमेंट्स देंगे। बेसिकली मेरा पॉइंट क्या है, की प्रेजेंट है तो मिनिमम एलिमेंट अपने को की खुद देगी, और की प्रेजेंट नहीं है तो की जहां पर प्रेजेंट होती, जिन दो एलिमेंट के बीच में की प्रेजेंट होती, उन दो से अपने को मिनिमम मिलेगा, या तो 10 से मिलेगा या तो 15 से मिलेगा। आ रही बात समझ में, मतलब इन अ नटशेल क्या बोल रहा हूँ मैं, कि अगर इस एरे में की प्रेजेंट होती, इस एरे में की प्रेजेंट होती तो की ही मिनिमम डिफरेंस देती, और की प्रेजेंट नहीं है तो की जहाँ पर प्रेजेंट होती और जिस दो एलिमेंट से वो सराउंडेड है की, वो दो एलिमेंट अपने को मिनिमम एलिमेंट देंगे, ठीक है। ये और ये, इनसे मिनिमम एलिमेंट कभी नहीं मिलेगा अपने को, इन दोनों से मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसमें से अपन देख लें कौन मिनिमम दे रहा है, 10 -12 करके देख लें और 15 -12 करके देख लें, तो यहाँ 2 यहाँ 3 आ जाएगा, तो जो भी मिनिमम देगा वो वाला रिटर्न करा देंगे, ठीक है। तो अपने को ये समझ में आ गया, अपन ने अगर ये दो एलिमेंट एक बार फाइंड कर लिए तो अपन इनमें से तो खाली सबट्रैक्ट करके देख लेंगे कौन मिनिमम दे रहा है, ठीक है, ओ ऑफ 1 में हो जाएगा। पर अभी चैलेंज क्या है अपने सामने, चैलेंज ये है कि अपने को ये जो दो एलिमेंट्स है ना, दो नेबर जो अपने को निकालना है उस की के, वो कैसे निकालो, ये दो नेबर कैसे निकालो मैं। ठीक है, हम लोग सोचेंगे यार ये दो नेबर कैसे निकालने पड़ेंगे मेरे को, ये तो 12 यहाँ पर है और 12% नहीं है, तो बेसिकली अगर प्रेजेंट होता है की के लिए सर्च करता हूँ मैं, की के लिए सर्च करता हूँ, अगर की प्रेजेंट होती तो मैं इसका रिटर्न कर देता हूँ इंडेक्स, उसका रिटर्न मिड, और नहीं होती तो आखिर में रिटर्न -1 कर देता हूँ। पर यहाँ पर मेरे को दो नेवर निकालना है, मैं क्या करूँ बाइनरी सर्च में, क्या मॉडिफिकेशन करूँ, राइट। पर लेट्स से एज ऑफ नाउ तुम्हें कुछ नहीं आता ना, तुम्हें क्या आता है, खाली बाइनरी सर्च आती है। मैंने क्या बोला तुम्हें, केवल बाइनरी सर्च आती है, जो आती है उसी को लगाओ। जब भी तुम कहते क्लूलेस हो जाओ ना कि क्या करना है इस क्वेश्चन में, तो तुम्हें जो क्वेश्चन आता है ना बाइनरी सर्च वो लगाओ। बाइनरी सर्च क्यों लगा रहा हो, क्योंकि एरे सॉर्टेड दे रखा है तो बाइनरी सर्च लगाएंगे अपन, ठीक है। लेट्स से बाइनरी सर्च लगा के देखता हूँ मैं इस एरे पे। ओके, यहाँ पर मैंने बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम पहले से लिख के रखा है, ठीक है। ओके, सो अपने को एरे क्या दे रखा है, ये बाइनरी सर्च का सिंपल एल्गोरिथम है, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं, सिंपल बाइनरी सर्च। अगर एलिमेंट पर जाना तो मिड रिटर्न कर देता है, नहीं तो -1 करता है, सिंपल है। यहाँ पर मेरे को जो एरे दे रखा था वो क्या दे रखा है, 1 3 8 10 और 15। अगर मैं इस पर बाइनरी सर्च लगाऊं, ठीक है, अगर मैं इस पर बाइनरी सर्च लगाऊं, यहाँ की प्रेजेंट नहीं है, की प्रेजेंट होती तो फिर मेरे को पता है कि की आंसर होता, ठीक है, की प्रेजेंट होती है तो की आंसर होता। अच्छा, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर की प्रेजेंट है एलिमेंट, ये तो एलिमेंट ही तो की बोल रहा हूँ मैं इसको,
अगर की प्रेजेंट है तो की आंसर होता है, मतलब एरे ऑफ मिड नीज, यहाँ पे इसका इंडेक्स नहीं देना, यहाँ पर की खुद रिटर्न करानी, अगर की प्रेजेंट है तो की खुद रिटर्न करानी, ये इतना सा मॉडिफिकेशन कर लिया ठीक है, क्योंकि अगर 12% होता है तो 12 भी आंसर होता है ना, कि मिनिमम डिफरेंस 12 से खुद आता, तो इसलिए अपन 12 रिटर्न कराते, तो एरे ऑफ मिड रिटर्न कराना है, पर की प्रेजेंट नहीं है तो अपने को ये दो नेबर चाहिए, ये दो नेबर कैसे निकालूँ मैं, देखते हैं अपन बाइनरी सर्च लगाते हैं तो क्या हो क्या रहा है, अच्छे से देखते हैं बाइनरी सर्च लगा के, यहाँ पर स्टार्ट है ना, स्टार्ट लिया है कि हाई कुछ भी है, लो ले लो या फिर स्टार्ट ले लो और हाई ले लो या फिर एंड ले लो, आइदर द सेम थिंग राइट। सो यहाँ पर मैंने लो लिया है तो यहाँ लो और हाई ले लेता हूँ, ये लो है यहाँ पर हाई है ठीक है, इंडेक्सिंग कर लेता हूँ रियल क्विक, 0 1 2 3 4 राइट। अब मैं क्या करूँगा, मैं मिड निकालूंगा, मिड आ जाएगा लो प्लस हाई बाई 2, सो 0 प्लस 4 बाई 2 इज 2, सो मिड आ जाएगा यहाँ पर ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अच्छा व्हाइल लूप क्या है, लो इज लेस देन और इक्वल टू हाई, जब तक लो या लेस देन है या फिर इक्वल टू हाई के तब तो चलेंगे अपन, मिड आ गया ये। अभी मैं देख रहा हूँ एलिमेंट मेरे को क्या सर्च करना है, एलिमेंट जो की सर्च करनी है वो मेरे पास है 12, सो 12 अभी अपने राइट साइड में होगी है राइट, सो अपन यहाँ से लो को अपडेट कर देंगे, लो को अपडेट कर दिया, लो आ गया इधर ठीक है, फिर अपन न्यू मिड निकालेंगे, अभी मिड क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 बाई 2, 7 बाई 2 इज 7 बाई 2, सो आ जाएगा 3.5, तो मिड आ जाएगा 3, सो मिड आ जाएगा, मिड भी यहाँ पर पॉइंट करेगा ठीक है। अभी यहाँ पर देखा, फिर अभी मैंने देखा कंपेयर किया तो मेरे को अभी भी समझ में आ रहा है कि इस मिड से भी की राइट हैंड साइड में होगी, इस मिड से भी थी, अभी इस मिड से भी राइट हैंड साइड में होगी, तो मैं क्या करूँगा लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर दूंगा, तो लो कहाँ पॉइंट करेगा, लो यहाँ पॉइंट करेगा, लो और हाई। व्हाइल लूप चेक कर लेते हैं, क्या व्हाइल लूप टर्मिनेट हो गया कि नहीं, व्हाइल लो इज लेस देन और इक्वल टू हाई, सो अभी लो और लेस एक लेस वाली कंडीशन में तो नहीं है, पर लो और हाई दोनों इक्वल हैं ठीक है, दोनों 4 इज इक्वल टू 4 पे हैं, तो व्हाइल लूप एक बार और चलेगा, अभी क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 बाई 2, मिड आ गया 4, सो मिड भी यहीं पॉइंट करेगा। मैंने क्या बोला, अब एरे ऑफ मिड कंपेयर करूंगा मैं एरे ऑफ मिड को की के संग, मेरे को समझ में आएगा कि की तो लेस है, तो की लेस है तो अपने को लेफ्ट साइड में मूव करना है, लेफ्ट साइड में मूव करना है मतलब इफ की इफ एलिमेंट, ये एलिमेंट इज इक्वल टू की है ना, इफ की इज लेस देन है तो मेरे को लेफ्ट साइड में मूव करना होता है, हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1, मिड कहाँ पर है ये, मिड अभी यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1, तो मिड माइनस 1 कहाँ पॉइंट करेगा, ये सब पुराने वाले काट देते हैं अपन, तो बेसिकली मिड यहाँ पर है तो अभी हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1 करना, तो हाई यहाँ पॉइंट करेगा, हाई यहाँ पॉइंट करने लगेगा ठीक है, हाई यहाँ पॉइंट करने लगेगा, उसके बाद ये लूप खत्म हो जाएगा, तो बेसिकली हाई यहाँ से चला गया, तो यहाँ पर लो बचा और मिड पॉइंट कर रहा है। अब अपन दोबारा आएंगे तो यहाँ देखेंगे लो इज लेस देन हाई है, लेस देन इक्वल टू हाई है क्या, लो क्या है 4 है और लेस देन इक्वल टू हाई क्या है 3, नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर ये इवोल्यूएट नहीं होगा। अच्छा तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द लूप क्या हो रहा है, लूप चलने के बाद खत्म होने के बाद जब अपने वो की नहीं मिल रही है, तो की नहीं मिली तो क्या हो रहा है, आखिर में अपना लो पॉइंट कर रहा है यहाँ पर, वो अपना हाई पॉइंट कर रहा है यहाँ पर राइट राइट है ना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये हर बार ऐसा ही होगा, अगर जब तुम्हें लूप नहीं मिलेगा ना, जब तुम्हारा बाइनरी सर्च में जिस की को सर्च कर रहे हो उस की को सर्च करते करते वो की तुम्हें नहीं मिल रही है, तो लास्ट में लो और हाई उसके दो नेबर जहाँ पर की होनी चाहिए वहीं पर ही पॉइंट करते हैं, आखिर में पूरी बाइनरी सर्च चला के देख लो, लो इधर हो जाएगा हाई इधर हो जाएगा, तभी उसके बाद ही लूप की कंडीशन फॉल्स होती है ठीक है। तो हाई इधर कैसे आया समझ में आ गया ना, लास्ट बार जब चेक हुआ ना, लास्ट बार क्या हो रहा था, 15 पे थे हम लोग, तो लो भी इधर था हाई भी इधर था और मिड भी इधर था, तो अपने जब की कंपेयर करी तो की क्या निकली, स्मॉलर स्मॉलर निकली, तो की इज स्मॉलर देन एरे ऑफ मिड है ना, तो अपन ने हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1, इसलिए अपन ने हाई यहाँ से हटाया और मिड माइनस 1 पे कर दिया, मिड माइनस 1 ये था तो हाई यहाँ पॉइंट करने लग गया, तो हाई इधर आ गया। तो बेसिकली क्या बोला हूँ, नॉर्मल बाइनरी सर्च चलाओगे अगर की प्रेजेंट है, की प्रेजेंट है तो पहले यहीं पर रिटर्न हो जाएगी की, और की प्रेजेंट नहीं है तो एट द लास्ट जब तुम्हारी बाइनरी सर्च खत्म होगी ना, तो ये जो लो और हाई तुम्हें इनिशियलाइज करे थे इंट लो इज इक्वल टू 0 से और इंट हाई इज इक्वल टू साइज माइनस 1 से इनिशियलाइज करा था राइट, इंट लो 0 से इनिशियलाइज करा था और ये साइज माइनस 1 से, तो ये दोनों ही आखिर में पॉइंट करेंगे इन नेबर्स पे, जो नेबर्स जो अपने कैंडिडेट्स हैं कि ये मिनिमम दे सकता है। बेसिकली लास्ट में हमको क्या करना है, हमको खाली एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है एरे ऑफ लो माइनस की, और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है एरे ऑफ हाई माइनस की, ये दो वैल्यू निकालनी है, इन दोनों में से देख लेना है कि कौन सी मिनिमम आ रही है
इन दोनों में से बस सिंपल है कि 10 में से -12 करना है 2 और 15 में -12 करना है 3। इन दोनों में से चेक कर लेना कि इन दोनों वैल्यू में से कौन सी मिनिमम आ रही है, जो सी मिनिमम आ रही है वो रिटर्न कर देना है। लेट्स से एरे ऑफ लो माइनस की यहाँ पर मिनिमम आ रही है तो अपन क्या रिटर्न कर देंगे, यहाँ पर एरे ऑफ हाई माइनस की मिनिमम आ रही है 10 -12 तो अपन क्या रिटर्न कर देंगे, एरे ऑफ हाई। और एरे ऑफ लो माइनस की रिटर्न ये कम आ रही होती, ये मिनिमम आ रही होती तो अपन रिटर्न कर देते एरे ऑफ लो। राइट, आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। क्या करा हम लोगों ने, हम लोगों को समझ में आ गया एरे, अगर एरे में की प्रेजेंट है सो की प्रेजेंट है तो वही मिनिमम देगी, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और ऐसे इधर बढ़ता जाएगा और इधर बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली अगर की प्रेजेंट है तो की ही आंसर होगा, तो रिटर्न एरे ऑफ मिड ही कर दिया अगर की प्रेजेंट है तो, और की प्रेजेंट नहीं है तो इसके दो नेबर्स आंसर होंगे, क्योंकि फिर जो डिफरेंस है इधर भी बढ़ता जाएगा और इधर भी डिफरेंस बढ़ता जाएगा। जहाँ पर की प्रेजेंट होगी ना, होनी चाहिए, उसके जो डिफरेंस जो मिनिमम कहाँ पर मिलेगा, उसके दो नेबर्स में। अगर की इटसेल्फ प्रेजेंट नहीं है तो उसके दो जो नेबर हैं वो मिनिमम आंसर देंगे। तो अपन ने वो नेबर कैसे निकाले, वो नेबर अपने देखा तो ऑटोमेटिकली निकल ही जाते हैं बाइनरी सर्च, जब तो खत्म होती है तो लो और हाई उन्हीं दो नेबर पे पॉइंट करता है अगर की नहीं मिलती है। राइट, बेसिकली इतना सा क्वेश्चन था, इसमें अपन ने कुछ भी नया नहीं सीखा। मैंने क्या बोला था, इस क्वेश्चन में तुम कुछ भी नया नहीं सीखोगे, बस तुम्हें बाइनरी सर्च का कोड कितनी बार लिख चुके हो, बस अपने को ये समझ में आना चाहिए कि बाइनरी सर्च के कोड लगाने से ये दो नेबर निकल के आ जाएंगे मेरे सामने और मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। ये लोगों को समझ में नहीं आता ना कि बाइनरी सर्च के कोड से ही आ जाएगा। बेसिकली ये अच्छे क्वेश्चन लगते हैं मेरे को, जो इंटरेस्टिंग इसलिए बोला था मैंने इसको कि तुमने इसमें कुछ भी नया नहीं सीखा, तुम्हें जो भी इस क्वेश्चन को मतलब टेस्ट केस पास कराने के लिए करना था वो तुम्हें सब आता था पहले से, पर तुम तब भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है ना। सो बेसिकली बाइनरी सर्च लगाना है और यहाँ पर इतना सा चेंज करना है, बाकी लो और हाई को आखिर में लास्ट में चेक कर लेना, कोई जो सा मिनिमम है वो रिटर्न कर देना। अगर एरे ऑफ लो माइनस की इस मिनिमम है तो एरे ऑफ लो रिटर्न कर दो, एरे ऑफ हाई माइनस की मिनिमम है तो एरे ऑफ हाई रिटर्न कर दो। राइट, आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक्स।